1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक नए राज्य के रूप में उदय होने के बाद अपनी सांस्कृतिक परंपरा व बेहतर सोच से साउथ एशिया के सबसे धनी और आर्थिक रूप से विकसित राज्यों में से एक है। मेरे किसान भाइयों, हरियाणा सरकार का ये उद्देश्य है कि हर किसान उद्यमशील किसान बने और आगे बढ़े, उसकी आमदनी दुगनी हो, वो परंपरागत फसलों की बजाय विविधीकरण के आधार पर खेती करे और फसलों के साथ साथ सब्जियां, फल और फूल की खेती करे, साथ ही पशुपालन व मछली पालन से अपनी आय को बढ़ाए। हरियाणा ने बागवानी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले 25 वर्षों में पैदावार 9 गुना बढ़कर 80.85 लाख मीट्रिक टन हो गई है। हरियाणा सरकार ने 340 बागवानी गांव और 140 फसल समूह के लिए 96 किसान उत्पादक संघों की स्थापना की है व बागवानी गांवों के लिए 510 करोड़ रुपए की लागत से एक महत्वाकांक्षी कृषि व्यावसायिक योजना चलाई है। सरकार द्वारा किसानों को नवीनतम तकनीकों की जानकारी के लिए 7 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। किसानों ने पॉली हाउस, वर्टिकल बांस खेती, मल्चिंग और हाइब्रिड सब्जियों की खेती को तेजी से अपनाया और अपनी आमदन को कई गुना बढ़ाया है। सभी उत्पादकों की आय सुनिश्चित हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने आलू, प्याज, टमाटर और फूल गोभी किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की है, जो कि देश में पहली और एक अनूठी योजना है।